नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अभी से हम सर्दियों की वेजिटेबल्स के कौन कौन से ऐसी वेजिटेबल है इसके सीड्स लगा सकते हैं, तो आज इसी विषय पे मैं बात करूंगी। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। और ये देखिए, सुबह का वक्त है और दोस्तों पानी भी हमारे यहाँ कम से कम हफ्ते भर हो गए, लगभग 6-7 दिन से बारिश नहीं हुई है। मौसम खुला है, बस बादल बने रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। और ये देखिए, एक साथ ही जब मौसम खुला रहता है तो एकदम इकट्ठे फूल खिलते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनके कलर देखिए आप दोस्तों, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर है। एक ये कलर है, एक ये वाला कलर है दोस्तों, एक ये येल्लो कलर है और एक ये कलर है, ये थोड़ा सा रेड और ऑरेंज में है। और एक ये कलर है दोस्तों, ये ऑरेंज और येलो कलर में है। और एक ये देखिए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। तो काफ़ी कलर है मेरे पास। और देखिए, मुसंडा भी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, इधर हमारे सारे इंडोर प्लांट है और इधर हमारी हैंगिंग बास्केट है, ये भी बहुत ही अच्छे से चल रही है हमारी सारी हैंगिंग बास्केट। और इधर देखिए कोलियस, कोलियस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। इधर देखिए आलमांडा की बहार और ये एक्सोरा। और इधर देखिए ये नागचंपा, ये भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और इधर देखिए दोस्तों, ये जीनिया हैं। और इधर हमारे गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं, बहुत ही लाइट कलर है इसका, पिंक कलर। और ये देखिए बेबी रोज़, बेबी बेबी रोज़ बोलते हैं इसको, ये देखिए। और इधर हमारे ये अडेनियम दोस्तों, इस छत पे भी काफ़ी अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार पे मेरे सारे रोसमोस और पोर्चुला रखे हुए हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से सारे एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इधर मैक्सिकन पिटूनिया। और इधर बीच में भी देखिए दोस्तों, काफ़ी रंग बिरंगा माहौल लग रहा है और इस तरफ में। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि सर्दियों वाले कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं वेजिटेबल्स के, तो लगा लेना चाहिए। ये देखिए, हमने भट्टे लगाए हैं, ये बैंगन के प्लांट है और इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े बैंगन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा बैंगन होता है, ये करीबन अभी से 250 ग्राम से ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर भी ये छोटे छोटे प्लांट में बैंगन लगे हुए हैं, ये देखिए। और छोटे छोटे भी है, कलियां भी बन रही है, फूल भी आ रहे हैं इसमें भी देखिए। और इधर भी देखिए, ये देखिए, इधर भी एक बैंगन लगा हुआ है। और ये देखिए, मैंने ये बोरी में, ये गेहूँ चावल की बोरी में लगाए हैं, इसमें भी लग रहे हैं बैंगन। और दोस्तों, फूल पर भी है ये देखिए। और इधर देखिए, इधर हमारी कुछ बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे ये देखिए लौकी लगी हुई है, काफ़ी लंबी हो गई है लौकी, और इधर गिलकी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीड्स के बारे में बताते हैं कि सीड्स लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कौन कौन से सीड्स हम लगाएंगे। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो मैं कौन कौन से वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ और कौन कौन से हमें करना चाहिए, तो ये देखिए। तो इसके पहले मैं आप लोगों को मिट्टी बता देती हूँ कि हमें इनके लिए मिट्टी कैसे बनाना है। तो दोस्तों, ये मिट्टी देखिए इसकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ कि कितनी कितनी है। तो मैंने इसमें 60% मैंने इसमें गार्डन सॉइल ली है, 60-70%, और 20% इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, या आप पुरानी काउडन भी ले सकते हो, 20% या 30% बहुत होती है। और 20% इसमें मैंने सेंड की मात्रा मिलाई हो,
हुई हूँ और 10% इसमें मैंने कोकोपीट मिलाई हूँ। तो कोकोपीट अगर आप ना भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं कोकोपीट को। और जब भी आप कोकोपीट ले तो उसको अच्छे से धो लो और सुखा लो। और इसमें 1 चम्मच मैंने फंजीसाइड मिलाई है, इसको मिक्स करके ऐसी मिट्टी तैयार करना है। तो दोस्तों हम क्या क्या चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये देखिए, ये मैंने सारे सीड्स निकाल के रखे हुए हैं। तो ये लौकी के सीड्स हैं, तो आप लौकी के सीड्स भी लगा सकते हैं दोस्तों सर्दियों के सब्जी तैयार करने के लिए। अभी से सीड्स ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि अगस्त शुरू हो गया है दोस्तों, सितंबर तक के आप ये ग्रो कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए अगर आप एक दिन मतलब 24 घंटा इसको पानी में डिप करके रख दोगे, फंजी थोड़ी सी फंजीसाइड का पाउडर मिला के उस पानी में डिप करके रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगी। तो इस प्रकार आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये लौकी की बेल है और ये लौकी लगी हुई है। और दोस्तों लौकी कई प्रकार की होती है, लंबी वाली होती है, इससे थोड़ी सी नाटी भी होती है और एक गोल भी होती है, तो कई प्रकार की लौकी हो सकती है। और फिर ये देखिए दोस्तों ये जुकनी, जुकनी भी एक बहुत ही अच्छा गिलकी के जैसे तोरी होती ना उसी प्रकार इसका फल होता है और ज़मीन से ही निकलते हैं उसके फल। तो दोस्तों जुकनी को भी आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर ये इसको हमारी भाषा में तो इसको गिलकी के बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं दोस्तों और गिलकी भी बोलते हैं। और फिर ये लंबी वाली बरबटी है, इसको भी आप बो सकते हैं। ये भी आप बड़े जो भी बीज होते हैं वो 24 घंटे डिप करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और फिर मैं बात करूँ ये भिंडी, भिंडी भी आप ग्रो कर सकते हैं, भिंडी भी बहुत ही अच्छी है। भिंडी भी इस समय ग्रो करेंगे तो भिंडी भी ग्रो हो जाएगी। और फिर मैं बात करूँगी करेला, तो दोस्तों करेले को भी आप ग्रो कर सकते हैं। करेला भी बहुत ही हार्डी होता है, इसको भी आप 24 घंटा गला के और फिर ग्रो करें। फिर मैं बात करूँगी ये कद्दू, कद्दू को भी आप लगा सकते हैं इस समय। और फिर मैं बात करूँगी ये ककड़ी के बीज है, ककड़ी के बीज को भी आप लगा सकते हैं। और फिर ये सेमबलर है, सेमबलर को भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी जनरेट हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगाती है। और फिर ये देखिए ये भट्टा है, भट्टे की सीड्स है, ये देखिए ये मैंने पॉलीथीन में रख दिया है। तो भट्टे की सीड्स भी आप लगा सकते हैं, भट्टा भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने ये भट्टे के सीड्स भी लगाए थे, सीड्स से ग्रो किए हैं दोस्तों। और ये देखिए भट्टे से ही मैंने भी सीड्स तैयार किए थे, इसमें देखिए कितने बड़े बड़े भट्टे लग रहे हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज है इसका। और इधर भी देखिए छोटे छोटे से प्लांट में कितने बड़े बड़े साइज के ये भट्टे लग रहे हैं, और इस तरफ में भी देखिए। तो दोस्तों इसकी भी काफ़ी अच्छी वेराइटी होती है, ये बड़ा वाला होता, भरता का भी होता, हरे बैंगन होते, लंबे वाले होते हैं, तो भट्टे की भी बहुत सारी वेराइटी होती है। फिर दोस्तों मिर्ची है, मिर्ची भी आप लगा सकते हैं, मिर्ची भी बहुत ही अच्छा है, मिर्ची के सीड से लगा सकते हैं। देखिए मिर्ची लगी हुई है इसमें और मैंने काफ़ी मिर्ची तोड़ ली है दोस्तों। तो ये मेरे सारे सीड से ग्रो किए हैं मिर्ची के प्लांट भी। और फिर दोस्तों धनिया बो दिए हैं, धनिया भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, धनिया को भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं, सर्दी तक के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़े दिन के नहीं हैं दोस्तों, ये 15-20 दिन के हैं ये धनिया के सीड जो निकले हैं और पौधे इतने बड़े बड़े बन गए हैं। और फिर दोस्तों ये देखिए ये गाजर है, तो गाजर को भी आप लगा सकते हैं इस समय, सर्दी तक के इसको तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मूली, मूली भी लगा सकते हैं। और दोस्तों टमाटर भी लगा सकते हैं, टमाटर भी हर सब्जी में उपयोग आने वाला है, तो टमाटर को भी लगा सकते हैं दोस्तों। और पालक है, मेथी है, जितनी भी भाजी है, बथुआ की भाजी, लाल भाजी और नोनी की भाजी, जितनी भी भाजी है उसको भी हम लगा सकते हैं अभी। और ये वेजिटेबल्स की भी लगा सकते हैं, और टिंडे की लगा सकते हैं हम, कुंदरू की लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारी वेराइटी आती है। तो हम बहुत सारे कितने भी जो भी हमारा मन हो
उतने प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं। और सब्जियां ऑर्गेनिक होती है दोस्तों, ताकि मार्केटों में तो केमिकल छिड़क के और हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अगर आप घर में लगाओगे और घर में अपने ही तरीके से बोओगे और अपने ही ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालोगे और अच्छे से तैयार करोगे, तो दोस्तों ये दो दो फायदा है कि हमारे घर की सब्जी है सस्ती पड़ेगी और जो हम सेहत पे असर भी नहीं, बुरा असर भी नहीं पड़ेगा ऑर्गेनिक सब्जी हम हमारे हाथ से। और बाज़ार में दोस्तों इसको हरा करने के लिए भी एक कलर आता है, वो केमिकल कलर आता है, वो हम खाते हैं तो हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है और नुकसान हो जाता है, कई कैंसर का रोग होने का भी डर होता है। तो क्यों ना दोस्तों हम घर में ही सब्जी उगाया, घर में ही अपने चाहे टेरिस छत हो या तो नीचे ज़मीन पे उगा रहे हो, चाहे आप गमले में उगा रहे हो, ग्रो बैग में उगा रहे हो, किसी भी चीज़ में उगाओगे तो फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों इतनी सब्जी आप, सब्जियां तो बहुत सारी है, जितनी सब्जी चाहो उतनी उगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है समय अभी, इस समय अभी उगाने का। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।